तो हाँ सर, तो कैसे आप लोग बैक कर आने तो बाहर गए जाए GTA 5 में। पिछले एपिसोड में आप लोग देखा थे ड्राइवर की वजह से गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए। ड्राइवर ने यहाँ पर प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरा चुराने वाले, बट लोगों ने कोई खतरा नहीं चुराया था। हम लोगों ने चुराया था एक बहुत खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल, जिसकी वजह से गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा फंस गए थे। बट लेकिन यहाँ पर जो अपना लेटर ना उन्हें हम लोग को बचा लिया, उसने कहा कि जाओ जो जॉब से तुम लेके आ रहे हो वहीं पर छोड़ के आओ जाके। तो वो तो भाई यहाँ पर ट्रैवल चीज़ को निपटा रहा है कि अगर भाई किसको पता चलता है कि आप लोगों ने काम किया था तो हम लोग जेल चले जाएंगे। वैसे कहा जो काम है ना वो काम में आप पर वही अपना जो है ना लेटर ट्रैवल यहाँ पर भाई उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग चाहे लेटर से मिलने के लिए लेटर ने मिलने के लिए बुलाया है, तो बड़ा तो लेटर के पास में देखते हैं लेटर ने यहाँ पर क्यों मुझे बुलाया है। तो क्या होता है जल्दी से जल्दी चाहेंगे तुम यहाँ पर आ सकते हो, बहुत अच्छे पर काम है। तो जस्ट फैमिली के पास में और लैंड गए तो फिर फैमिली के पास पहुँचने वाले हैं। फैमिली ने हमको यहीं कहीं बुलाया था, उसने कहा था यहीं कहीं मिलेगा। वैसे कि फैमिली यहाँ पर देख नहीं रहा, उन्होंने बताया एक शॉप का नाम बताया था, तो वहाँ पर खड़े होकर हल जाओ सामने से भाई ये नंगे पंगे लोग डर रहे भाई ढोक भी निकालते सामने से। वो अबे तेरी ऐसी तेजी आते सामने से हटी नहीं रहा सामने से भाई देखो। हाँ भाई ड्राइव, अरे भाई पुलिस लग गई बाबू जल्दी फटाफट, बाबू एंड पुलिस लग गई भाई। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, अरे यार अब इतनी खराब टाइम बस। तो भाई बच गए हम लोग, जहाँ पर आपने नेक्स्ट टाइम ने बुलाया था हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। मेरे पीछे पुलिस पड़ गई थी बट लेकिन हम लोग बच गए भाई। अच्छा मिशन तो पहुँच गए हम लोग सही थे। ये रहा लेस्टर दुनिया पर आ चुका है। And I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fool's ears off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fool's heads, it's asshole's heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? तो भाई हम लोग लेस्टर ने बुलाया और यहाँ पर लोग बहुत ही इतना काम लोग को देने वाला है। कह रहा है कि भाई हमारे तरफ मत वो इधर उधर जिससे लोग को शक ना हो हमारे को बिल्कुल भी। तो समझते तो लेस्टर काम भाई कितने मतलब खतरनाक काम होते हैं ना, जो भी काम उनके होते हैं ना 100% भाई बेहतरीन काम होते हैं। हम लोग कभी भी फंस नहीं सकते। और एक काम पर उन्हें यहाँ पर बुलाया हम लोग को लेस्टर ने, कह रहा है कि उधर मुँह तो देखो इधर मत देखो भाई, समझ लो ना भाई बंदा कितना तो होशियार है। Mollus and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. तो गाइस यहाँ पर एक बंदा है ना उसको हम लोग को मारना है, बहुत ही बड़ा वो यहाँ पर कंपनी का सीईओ है जिसको हम लोग मारेंगे। एंड नोरिस नाम बताया था, क्या नाम बताया था, नाम भी मुझे सही सुना नहीं। वेल तो गाइस यहाँ पर एक बंदे को मारना है जो कि इसने यहाँ पर बताया कि अब उसको मारेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ का नाम था जेम्स न्यूरिस को, जैसे इन्हें नाम बताया मैं सही से सुन नहीं पाया। तो हम लोग उसको मारेंगे, जाओ आप जा रहा हूँ भाई, वो कह रहा है खड़े की हो जाओ यार, तो जा रहा हूँ भाई। तो गाइस अगर हम लोगों ने उसको यहाँ पर मार दिया ना तो ये मुझे बहुत सारे पैसे देगा, बहुत सारी पैसे देगा कि मज़ा आ जाएगा। तो वर्षे से काम करते थे चल के जो कि उसने बताया, वैसे नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग मना भी नहीं कर सकते था कि तू बंदे को जाके हमने मारने वाले देखा था कि स्टिकी बॉम्ब यूज़ करो चाहे स्नाइपर यूज करो, मुझे बस उस बंदे को मारो बस, ऐसा कर दो मारो जाके बंदे को। तो वेल गाइस आप लोग उस बंदे के पास जा रहे हैं तो उसको जाके मार के देते कैसे मारते हैं, उन्होंने कहा था स्टिकी बॉम्ब यूज़ करो जाके कुछ भी करो, उसकी गाड़ी नीचे बॉम्ब लगा दो बट उसको मारो। तो भाई देखते हैं क्या करना है, थोड़ा चलते हो जगह पर जहाँ पर वो बंदा मिलने वाला है। तो वैसे कहीं समय थोड़ी दूर और लोग जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो बंदा आने वाला है। वैसे तो फटाफट चलते गाइस हम लोग पहुँचने वाले जगह पर जहाँ पर बंदा हमें मिलेगा। भाई साहब नेटर के काम सब ऐसे ही होते खतरनाक बात है। लेस्टर कह रहा है कि नेटर सीईओ को मार दे के एंड दूसरी जिस उसी कंपनी के तू उसको मार सकते हैं तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होगा एंड जो दूसरी कंपनी है ना उनका फ़ायदा होगा, तो दूसरी कंपनी को स्टॉक को खरीद लेगा उससे भाई जो अपना लेस्टर ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो गाइस सब लोग पहुँचने वाले जगह पर बस थोड़ी दूर और लोग पहुँच जाएंगे।
अभी भाई थोड़ी बहुत जगह पाती है भाई, वैसे जो भी बात डेस्टर का भाई बहुत ज़्यादा फायदा होगा लोगों ने उसको मार देना कंपनी के सीईओ को, तो डेस्टर का बहुत ज़्यादा फायदा होती है वही पहले से स्टॉक ये बैठे हैं दूसरी कंपनी है, मतलब समझो ना डेस्टर का दिमाग क्या है मस्त है, लेकिन यार दूसरी कंपनी के सीईओ को ही मार देता है भाई, पैसे के लिए कोई भी रखता है यहाँ पर डेस्टर, लेकिन उसके जो आइडिया ना बहुत है मस्त है, इतने हम लोग फंसने नहीं पाते। उसने मुझे बताया कि हम लोग कहाँ से फायरिंग करना है जहाँ पर से हम लोग पकड़ नहीं सकते, वैसे उसने भाई हम लोग को बता भी दिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर की बॉम्ब लगा देना गाड़ी के नीचे तो मर सकता है। वैसे वैसे तुम लोग एक बात बता दो, इसराइल के पास स्टे बॉम्ब नहीं है यार, मैंने रजिस्टर की बॉम्ब बाय नहीं करे भाई यार क्या बताओ। वैसे राइट हम लोग जब पहुँच गए थे इस बिल्डिंग पर, वो थी इस बिल्डिंग के अंदर ही वो बंदा है और उसी कार ये रही, ये वो कार इसकी कार यहाँ पर आ चुकी हो, बंदा इसके अंदर है, बंदा बाहर से निकले उस बंदा बैठेगा तो हम लोग उसको मारेंगे। तो वैसे तो भाई बिल्डिंग सामने में तब समझ गया हूँ, अभी मैं ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ से बंदी खोपड़ी साथ दिन मैं उसको मारूँ, तो आप भी हम लोग बिल्डिंग के ऊपर जाने वाले और मुझे लग रहा है कि उस पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर बना होगा, क्योंकि तो ऊपर तो सीढ़ियाँ तो जा रही है तो ऊपर मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, तो अपनी कार लेकर बड़ा ऊपर चलते हैं। चलो 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 वेल वेल तो ऊपर चलते गाइस, अपनी कार को यही पे लोग घुमा के लगा देंगे, क्योंकि भाई हम लोग उस बंदे खोपड़े उगाने के बाद हम लोग को फटाफट भागना होगा, अपने पीछे खतरनाक पुलिस लग सकती है, तो इस कार को फुल स्पीड में लेकर मुझे भागना पड़ेगा, तो इसको मैं इधर ही लगा देता हूँ सीधा खड़ा करके, जब भाई उसको मारेंगे तो कार को अगर देखिए फटाफट भागेगी फुल स्पीड में। वह तो गाइस अपने पास बहुत तगड़ी वाली स्नाइपर है जिससे हम लोग उसकी खोपड़ी उगा सकते हैं, वरना भी टाइम होने वाला है बाहर आने का, जैसे वो बाहर आएगा ना मैं उसको अपनी एडब्ल्यूएम से भाई शूट कर दूंगा आने दो उसको। वैसे कार यहाँ पे खड़ी हुई है, बस मुझे ये नहीं पता कि बंदा किस ओके 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 वो बंदा आ रहा है भाई, वो बंदा आ रहा है और मुझे ये नहीं पता बंदा राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है, मुझे इस चीज़ का ध्यान देना जिधर से वो आया ना वो तो मारना है। उससे कमांडो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, मतलब वो अलग ही कपड़े पहना, मतलब वो ब्लैक कपड़े नहीं पहना हुआ आगे आप तो समझ आते हो भाई, टाइम खत्म होने वाला है बंदा आते ही होगा, मुझे उसको कैसे नहीं फायद मारता है भाई, मार देंगे ना तो लेटर का फायदा होगा अपने को पैसा मेरा, बस पकड़ ला जाए पुलिस के हाथों वरना भाई बहुत लंबी जेल जाएंगे। वो बंदा आ जाए इधर से आएगा भाई लेफ्ट राइट बहुत अब देखो दो तरफ गेट है भाई, इतना आसान होना भाई एक तरफ गेट है कोई बात नहीं, राइट में भी गेट है और लेफ्ट में भी गेट है, दो तरफ गेट है। ओके भाई टाइम हो जाए पूरा, वो बंदा आता ही होगा बाहर तो उसको दिख लो शूट करना है। ओके ओके बंदे की आवाज़ आ रही है, बंदा है किधर भाई, ये क्या आज कैन बंदा किधर है, ओके ओके ये रहा वो बंदा, इसको कहाँ बैठे तो मारूंगा इसको मैं, बैठ गया बैठे ये थे। ओके ओके वो बंदा मर गया, एक और गोली ले पक्का फ्रैंक सब भागो यहाँ से भाई, पहले पोर्सल में निकल रहा है फ्रैंक ने उस बंदों में दो गोली मारी, वो अंडे पर वो बंदा मर गया है, वो यहाँ से साफ निकल देते जल्दी निकल भाई फ्रैंक ने जल्दी निकल, अब जल्दी भागो भाई पुलिस आ रही, भाई दो भाई कितनी पुलिस आ रही है भाई, दो स्टार लग चुके जल्दी निकल यहाँ से बाल जल्दी बाग हुई। ओ नो से गार्ड सामने गए, अबे कुचल दूंगा तुम्हारी ऐसी तेजी ये साथ एक वो कुचल दिया मैंने, अभी बराबर यहाँ से निकलते भाई, इससे पहले भाई पुलिस ने को फंडे भाई जान क्या मैंने कहा भाई, अरे कोई बात नहीं होता है तो फटाफट जब से निकलते भाई सब अपने पीछे पुलिस पहुँच चुकी है डेंजर वाली, अभी बस हम लोग कहते थे यहाँ से निकलना है भाई, रोड भी तुम खा दिए सबसे अच्छी बात ये, बट समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ भाई, इधर जाऊँ उधर जाऊँ किधर जाऊँ समझ नहीं आ रहा, अभी जो रोड आए थे मैं रोड पर चलते चला जा रहा हूँ, अभी मुझे कह रहे थे तो भाई इसको जो मैंने पीछे पुलिस पड़ी ना पुलिस को मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, तो भाई कुछ भी करके यहाँ से सिटी से दूर जाना पड़ेगा मुझे, तो पुलिस को यहाँ से निकलता नहीं मैं पता नहीं किधर आ गया हूँ, चलते चलते भाई सीधे और यहाँ से बाहर कैसे निकलो भाई मैं किधर आ गया, ये मेरे साथ सी गाइस ये कोई गार्डन है, ये क्या था गार्डन है भाई तवारी गार्डन, ओ वो तो ये गार्डन है ये गोल्फ है यहाँ, मतलब गोल्फ फील्ड है तो यहाँ बंदे गोल्फ खेलते हैं, तो मुझे भाई किधर से निकलना होगा, एक मिनट पुलिस की वर्ग जवाब नहीं आ रही, नहीं आ रही वर्ग जवाब मतलब आ रही है निकल गई आ रही है, मैं तो गाइस कुछ पुलिस है आई थिंक वो हट जाएगी बिल्कुल आदत तरीके से, हम लोग को अपनी कार को यहीं पे छुपा के रखना है, मेरे आगे पीछे कहीं पुलिस नहीं है, उनका हॉर्न बज रहा है वो मुझे पुलिस ढूंढ रही है बट मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। वैसे तो गाइस अपनी कार को हम लोग दही लगा देते हैं, बाकी जो पुलिस है ना वो मुझे ढूंढ रही है, पता नहीं हम तक क्या आ पाएगी नहीं आ पाएगा, मुझे लगता है कि हम लोग बच सकते हैं पुलिस से, आवाज़ तो सुनाई दे रही है बस और स्टार भी चमक रहे हैं, मतलब धीरे धीरे चमक रहे हैं, मतलब पुलिस हाथ तकती है,
वैसे भाई कितने आराम तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल की पुलिस को बुला के यहाँ पे जब पेड़ के छुपे हुए मैंने इतना की भाई पुलिस आने वाली है तो हम लोग आराम से यही मिल सकते हैं, थोड़ी देर और रुकेंगे बट फिर उसके पूरा काम हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे आराम से रिश्ते से पैसा देंगे भाई मजे करेंगे कसीनों में जाएंगे भाई। अब पुलिस आ गई बाबू भाई ये क्या हो गया अभी धीरे 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 तो फिर भाई पुलिस वाले को मार दिया तो भाई ये को अपनी रख देंगे मैं भी भाई क्या सीन है पुलिस तो हट गई थी भाई ये अपने आप पुलिस कैसे आ गई ये यार चीटिंग है पुलिस हट गई थी मतलब समझो हटी गई थी भाई स्टार पा रहे थे मतलब पुलिस हटने पा रही थी ये तो पुलिस कैसे आ गई याद मारना पड़ेगा भाई इन लोग किधर जाऊँ समझ में नहीं आ रहा यार इधर जाऊँ उधर जाऊँ किधर जाऊँ चाहो तब गार्डन गार्डन है गार्डन से मैं निकल के जाओ तो जाओ इधर भाई रोड भी नहीं आ रही भाई साहब पानी गुदा दिया पुलिस आ रही है भाई इधर से निकलना अपने जल्दी से फटाफट तो भाई तो अपने पास चार बंद यही बचा है बात यहाँ से निकल जाएगा तो कहते पुलिस मेरे आस पास आ गई ना तो मेरे घर पर बूंद डालेगी निकलो भैया इससे पहले पुलिस पुलिस भैया मारे इससे पर निकल लो फटाफट क्या इधर से निकलते हैं प्लीज पुलिस बताओ यार इतनी यार पुलिस निकल गई थी यार मतलब काम मतलब पूरा हो चुका था स्टाफ में पा रहे थे अभी भी आती बताते पुलिस पीछे छूट सकती है अपने बट अभी पुलिस ना आया आई थिंक गाइस अपना काम हो सकता है पुलिस 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 आ गई भैया आ गई भागो इधर से सामने से ही आ गई यार निकलो भैया रणदीप फटाफट चीटिंग है यार कहीं से ही पुलिस आ जा रही है ये पुलिस हट क्यों नहीं रही है सारी यार अच्छे खाता भाई निकल तो हटने वाली थी भाई सही फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने कोई जा रहा नहीं है यहाँ पर रुके ना कहा चढ़ा डालेंगे भाई ये लोग किधर गए अबे हट गई क्या पुलिस अभी केसिंग तेजी साले इधर आ रहे हैं भाई ये लोग निकलना पड़ेगा इधर से भाग भाग इधर भाग जल्दी हो जल्दी हो जल्दी भाग भाई ये लोग कसम भाग कर आए यार मार के रहेंगे भाई भाई जिधर भी जाओ भाई उधर आ रहे हैं साला जाओ तो जाओ मैं इधर भाई ये लोग पक्का जेल में भेजेंगे हम लोग को मतलब फ्राई गली इनको भाई भाई इधर तो निकलना पड़ेगा हम लोग को बाहर रोड पर जाना पड़ेगा रोड पर जाओ उस कार अब भाई फिर सिटी से दूर जाऊँगा अरे तो लोग पता नहीं चल रहा है भाई मैं इधर जा रहा हूँ ये लोग बोल रहे वो बंदा ज़्यादा इधर टहल रहा है उसको पकड़ने के लिए गाड़ी में अबे यार तो निकलो जल्दी मैं भाई फ़ोन कर दिया है भाई बंदे को फ़ोन कर दिया है यहाँ पर ट्राइविंग टहल अब मैं देखा मेरे फ़ोन कर दिया है अभी याद निकल रहा है गाड़ी आ जाए ओके ओके फिर कार आ गई अपने पीछे वो रही फटाफट से बैठते निकलते यहाँ से अबे निकल इधर से निकल भाग यहाँ से पहले फुर्सत में अबे बैठ रहेंगे क्या कर रहे हैं मर गया क्या अबे रो क्यों रहा है भाई अबे बचाते पुलिस से मसली दिलाऊंगा अबे दे दे बने फटाफट याद नहीं करते इतने पहले पुलिस हमने को ठोके ना के मारे मुझे याद नहीं करते थे क्या फिट से कार लगाई है फटाफट गाय इधर से निकलते गाय से पहले पुलिस हमारा भत्ता बना दे भाई साहब तुझे हटने का नाम ही ले रही अरे इतनी अच्छी स्पीड में कार पा रहा था कहाँ से दीवार आ गई है मतलब मैं दीवार घुसे आ गया अभी वो पुलिस वाले पीछे से गाजिया अरे भाई क्या बताए यार हटी नहीं रही सारी इतनी स्पीड से कार भगा रहे हो फिर भी पीछे पड़े यार ये लोग अबे सामने हट जाओ भाई ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई पीछे पड़ गया रहेगा यार हट जाओ ओके ओके गाइस अभी बहुत देर हो गई बट अभी भी गाइस यहाँ पे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े मतलब यार ये कसम खा के आए भाई कि ड्राइविंग को पकड़ने पकड़ना है इतनी देर से कार चला अब ऐसे को ढोंग रहे यार ये लोग क्या करूँ यार गाइस गाइस बहुत ज़्यादा देर हो गई बट अभी भी कुछ देर हो देखो ये बदतमीजी है ये पक्का भाई चीटिंग है यार पीछे से ठोक रहे आगे ठोक रहे भाई पहले इतना मतलब किराया पे नहीं करा यार तीन स्टार की पुलिस थी तीन स्टार की लग रहा है छः स्टार की पहुँची भाई छः मतलब इतनी पर पीछे पहुँचे फ्राई देंगे यार ये भाई जीते पाए भाई चीटिंग कर रहे यार पुलिस हटने का नाम नहीं ले रही भाई जिधर जाओ उधर पुलिस आगे पुलिस पीछे पुलिस भाई तक कार ही मंगू गए जब से मैं कार पर बैठा हूँ ना भाई सही बता रहा भाई पुलिस भाई पीछे हटने का नाम नहीं ले रही अब हमने अपना इस कार को चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं बैठ के कोई अच्छी सी कार दीजिए हमने आस पास तो पकड़ लूँ ओके 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 और अरे बैठे चलो ठीक है हमने कार दिख गई बड़ा कार बैठते निकलते इधर से वो कार रही सामने इस तरह बैठते जल्दी देर से पहले पुलिस आए पड़ा उस कार में बैठ के निकलते हैं भाई साहब क्या ही बताओ ये पुलिस हटने का नाम नहीं ले रही यार ऐसा लग रहा है जैसे भाई GT5 डील कर रही है आज फ्रैंकिंग को पकड़ के रहेंगे भाई जिधर जाओ उधर पुलिस
बंदूक ऐसे चलाए ना फिर एक सेकंड के लिए मैं दो मिनट में बाहर आ गया ना भाई, लोग भत्ता बना दिए। निकल भाई जल्दी से, अब है किधर टूट गया, निकल 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 गाइस फटाफट इधर से निकलते हैं भाई, इससे पहले गाइस पुलिस हमारी ऐसे ही तैसे ही कर दे। फटाफट जाए इधर से निकल लेते हैं फटाफट फुल स्पीड में। ओके 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 भाई अभी मतलब बहुत दूर आ गए, बट अभी भी पुलिस अपने पीछे पड़ी है। मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं इनसे परेशान हो गया पुलिस वालों से, किधर जाऊँ समझ नहीं आया। फोदा वरना फ्लाई जहाँ पर ड्राइवर रहता ना उधर निकल जाऊँ, यही सोच रहा हूँ पता नहीं। ओके ओके नीचे गिर गए भाई, कोई बात नहीं नीचे गिर गया, शायद अब पुलिस ना आए। अभी भी स्टार पड़े पीछे यार ये। ओके ओके हॉर्न काम हो रहे हैं, हॉर्न का हमें साउंड कम हो रहा है पुलिस का। ओके ओके पुलिस का साउंड कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है भाई। प्लीज़ हट जाओ यार, बहुत देर हो गई भाई, प्लीज़ अब पुलिस हट जाओ यार, मैं थक गया हूँ यार ड्राइव पे करके भाई। पुलिस हटने का नाम भी नहीं ले रही, हमने बैठ गया यार भाई, मेरे तक कंटेनर पे चुपना पड़ा तब तक पुलिस हटेगी भाई। ये सही बता रहा हूँ, अभी तक की GTA 5 में इतनी पूरी पुलिस मेरे पीछे नहीं पड़ी भाई, कब से अब मैं आते घंटे से ज़्यादा ड्राइव कर दूंगा, बहुत अभी पुलिस में पीछे पड़ के रखिए। अभी भी आवाज़ नहीं, आवाज़ ना आ रही भाई, बात कर दो इंडिया आवाज़ और अम्मी भाई कब तक ड्राइव कर रहा हूँ भाई, मार कर दो सन। ओके यार फाइनली यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो गया भाई, सही भाई ये मिशन भाई क्या ही बताऊँ मैं, यही मिशन था। पर लेकिन जो भाई पुलिस है ना भाई, उसने भाई इतना ज़्यादा कठिन कर दिया ना कुछ कहने को, लेकिन भाई मज़ा बहुत आता है भाई। जहाँ तो उधर पुलिस आगे पुलिस पीछे पुलिस, बस हेलीकॉप्टर की कमी थी ना भाई, सब क्या बोल भाई मज़ा आएगा। लेफ्ट वाले पे फोन लगा दिया है भाई फ्रैंकलिन ने, काम कर दिया भाई। और यहाँ पर लेस्टर कह रहा है कि हाँ पता चल गया तुमने काम कर दिया, बेंटन बहुत बड़ा काम हुआ तुमने। And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dog. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking. Okay, right. Lester ने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत Wispy Mound Drive. ठीक ठीक है, तो पैसे पहले कौन फटाफट, तो गाइस फटाफट पैसे भेज रहे हो कि गाइस, तो यहाँ पर लेस्टर ने हमें कौन पैसे भेज दिए, बहुत बड़े हैं एकदम, मजा आ गया गाइस। आज के लिए बस इतना ही गाइस, चले वो नया होती सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तो भाई लेकिन जो भी बोला मजा आ गया यार। बाकी जो फ्रैगली जो लेस्टर का आपने जैसे काम हो गया, लेस्टर जो काम करना था उन्हें कर दिया, फाइनली उसने जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे ना उसके पैसे बहुत हाई हो गए, अपने बहुत पैसा कमा लिया है। बाकी कहा यहाँ पर फ्रैगली ने कह दिया है लेस्टर से अब कोई भी काम पड़े भाई तो मुझे बता देना, बहुत ही मजा आता है ये काम करने से। आज ये बताया अपने वीडियो को लाइक कर देना, सुना पहले काम दबा देना, हम लोग पिंड है स्पीड हो गए सर, सुना पहले कहना ठीक है, बाय बाय।